जाएगा तो उसकी जगह क्या दूल्हा लूंबड़ बनेगा? हो सकता है ये शेर की शादी भी ना किया हो। मैं अबे वो जानवर की बात कर रहा है, तू सुपरमैन को उधर भेज रहा है। छोड़ यार। अच्छा जी एक्स वाई जो भी है भाई जरा आप ही बता दे कि कौन नहीं आया होगा शादी पे? ऊंट। क्यों क्यों ऊंट? बातों शातों में उड़ते रहो, टॉक शॉक से जुड़ते रहो। टेलीनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। अम्मी बेटे के अचानक घर आने की खुशी में। साहब चले गए। यस, बॉस के चल जाने की खुशी में। भूले हुए 500 रुपए मिलने की खुशी। टॉक शॉक से अब हर खुशी हो डबल। 5 पैसे ऑफर रोजाना एक्टिवेट करने पर हर चौथा लकी कस्टमर बात करेगा पूरा दिन बिल्कुल फ्री। बस *345*201# हैश डायल करें और फ्री कॉल्स का मौका पाएं। क्या हशर किया कपड़ों का बेगम? ये क्या ले आया? 10 रुपए वाला बोनस मंगवाया था। ये तो बड़ा मशहूर पाउडर है, मगर इस छोटे से पैक का पाउडर तो और भी कम हो गया है। इतने से पाउडर में पूरे कपड़े नहीं धुलते। अब क्या बच्चों को मैले यूनिफॉर्म में स्कूल भेजूं? 0 पर SMS और उधर डायल ट्यून सेट। दोस्तों के साथ हर मूड शेयर करो और जोम डायल ट्यून सर्च सर्विस से सब कह दो। साबुन और खुले तेल पाउडर में बोनस वाली बात कहाँ? अपनाए बाग सहूलत और खुशबूदार बोनस ट्राई स्टार। आज तो खुशबू ही अलग है। खाने की? वो नहीं, तेरी। वाह, क्या बात है बोनस की। बोनस ट्राई स्टार, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है। जी हाँ, अब तो सभी गवाही देंगे कि 49 पैसे 30 सेकंड की इंतहाई सस्ते रेट पर कॉल सिर्फ यू फोन से होती है, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर 24 घंटे रोजाना और बगैर डेली चार्जेस के। ऑफर हासिल करने के लिए अभी *49# हैश डायल करें। यानी 30 सेकंड का इतना सस्ता कॉल रेट कोई अपने नेटवर्क के लिए भी नहीं देता। उसके साथ ही साथ मिलेंगे यूफोन समेत तमाम नेटवर्क्स पे 100 नहीं बल्कि पूरे 200 इजाफी मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। ऑफर हासिल करने के लिए *36# हैश डायल करने के बाद 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाएं। ये हुआ ना असली 100 का 200। याद रखिएगा, यूफोन की ये ऑफर सबसे पहले आप तक आकाश चैनल ने पहुँचाई है। ये मेरी खबर थी। दोबारा कर दूं? हाँ ठीक है। कराची से आने वाली रेलगाड़ी कराची से आने वाली कराची। नहीं बचेगा नहीं 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 राइट से कोई दाग हो तो नहीं बचेगा। तो हर समझदार औरत जानती है कि दाग कोई भी हो नए ब्राइट से नहीं बचेगा। अब कोई दाग बच के दिखाए। अपनी फैमिली की ये मिक्स प्ले। मजा हो बेटर जब सब टुगेदर। बातों शातों में उड़ते रहो, टॉक शॉक से जुड़ते रहो। टेलीनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। क्योंकि वो फ्रिज में था। ओ, वो शेर की शादी के लिए ना फ्रिज में से बर्फ लेने आया था। मैं कोई पामिस्ट नहीं। अब आप मेरी पहेली का जवाब मुझे दें। क्या? मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो अंडा भी देता है और दूध भी? नामुमकिन। क्यों? नामुमकिन। दुनिया में कोई ऐसा जानदार नहीं जो दूध भी देता हो और अंडा भी। ये तो अंडा भी देता है। है, ऐसे जानदार मौजूद हैं, गली गली में मौजूद हैं, मोहल्ले मोहल्ले में मौजूद हैं, कोने कोने पर मौजूद हैं। वो कौन से? बेकरी वाला। ओ यार ये क्या बोंगियां मार रहे हैं यार, ये प्रोडक्शन मैनेजर। ओ यार मैं इसको मार दूंगा यार। ओए उस्ताद ऐसी बात ना करी।
इसको हाथ नहीं लगाना तूने? क्यों? वो दोस्त है मेरा, इसको तो मैं खुद मारूंगा। अबे छोड़ छोड़ मुझे, मुझ पे हाथ उठा रहे हो? मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। डायरेक्टर नहीं है ये, तो वैगनों का मिस्त्री है। मैं जानता हूँ उसको भी, लेकिन हीरो तू जो हीरो बना फिरता है ना, ऊंट मुंडन वाली मशीन जैसे मुंह है तुम्हारे। पकड़ो इसको। मैं देख लूंगा एक एक को। भैया आप मेरे साथ चले, आपने चश्मा पहना होगा, अंधे लग रहे हैं, मार्केट से भीख मांगते हैं। तुम्हारी टी स्टॉल में आ गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, मैं क्या कहूँ, आप कैसे आ गई यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, हम क्यों नहीं आ सकते हैं, इधर रिकॉर्डिंग हो रही थी मेरी, मैं इतना थक गई थी, मैंने सोचा कि एक कप चाय पी जाए, बड़ा आपके स्टॉल का नाम सुना है। हाँ जी बिल्कुल, हीरो जल्दी से चाय दे, जल्दी से चाय जी। ये चाय। ओहो बिस्कुट भी तो लेकर आना। बिस्कुट तो भूल ही गया। सबा जी आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी एक्टिंग। आपका कौन सा ड्रामा चल रहा है? मेरे ड्रामे काफी ज्यादा चल रहे हैं। जब आपने काम शुरू किया था उस वक्त तो आप वो खबरें पढ़ती थी टीवी पे, खबरें पढ़ती थी। ये मुझे शक्ल से बहुत समझदार लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है इसलिए खबरें सुनता है ना। तो जी बस वो मेरा गांव में चाचा सुनता था ना, तो मैं पास बैठता था, तो मैं आपको देखता था, तो मैंने पहचान लिया, मेरे को आप तो खबरें पढ़ती थी टीवी पे। तो आप मुझे एक बात बताए, वो जो खबरें आपको याद करनी पड़ती थी? खबरें याद तो नहीं करनी पड़ती थी, उसको कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। अब तुम्हें समझ नहीं आएगी, जैसे कैमरा होता है ना, कैमरे के आगे लिखा हुआ आता है, उसका एक्सीलेटर हमारे पांव के नीचे होता है, उसे अपनी स्पीड से हम इधर से चलाते जाते हैं, ऊपर से सफे को बदलते रहते हैं ताकि वो कहते हैं आप भी टीवी की ड्राइवर हो गई है। वो ड्राइवर नहीं, दर्दी। वो दर्दी भी हो सकता है मेरे। अचानक वो पहले खबरें पढ़ती रही है, फिर आपने कहा कि अदाकारी करनी चाहिए, ये कैसे है आपने सोचा? बोले तुझे पता ही नहीं, वो इतनी खूबसूरत है, वो बनी ही एक्टिंग के लिए। वैसे वैसे ये तो है जी, समझ जी आप बताए। क्यों भोले तुम बताओ, एक्टिंग अच्छी नहीं करती? इतनी अच्छी करती। क्यों क्यों पूछा? नहीं वो मैंने कहा ना, जिस तरह होता है ना, वो सारे फनकार आते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप छोटे होते से आपको शौक था अदाकारी का, तो वो कहते थे नहीं, कुछ कहते थे हाँ, तो आप बताए ना कि आपको खबरें पढ़ने का शौक था या आपको अदाकारी का शौक था? ना मुझे खबरें पढ़ने का शौक था ना अदाकारी का शौक था, इत्तेफाकन आ गई। और ये देखे हर इंसान के अंदर एक फनकार छुपा होता है, बस जरूरत होती कि उसे पहचाने। बोला जी मैं भी एक सभाजी से सवाल करना चाहता हूँ। बैठो उधर, बैठो, बैठ के करो सवाल। चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभाजी एक सच्चे फनकार को सुपरस्टार बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले